वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। वाई ग्रुप के लिए जीके की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जिसका ये वीडियो नंबर दूसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और कंटिन्यू ये कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एडमिरल शीर्ष अधिकारी होता है, यानी कि किस सेक्टर में, यानी एयरफोर्स में, नेवी में, या कि फिर आर्मी में एडमिरल जो होता है शीर्ष अधिकारी होता है, यानी सबसे बड़ा अधिकारी होता है, किसमें, किस सेना में होता है, तो वो होता है नौसेना में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, और वायुसेना का भी आपको पता है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वायुसेना के प्रमुख को क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि कनाडा की राजधानी है, आपको बताना है कि कनाडा की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने हैं और राजधानी से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि तांडव नृत्य का संबंध किस भगवान से है। ऑप्शन आपके सामने हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि महेश, महेश का मतलब महादेव। ठीक है, भोलेनाथ की बात हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि माइकल फरेरा का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो माइकल फरेरा का संबंध है बिलियार्ड से, याद रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के लेखक हैं, चरित्रहीन के लेखक कौन हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इजी है आपके लिए कि पायरिया से प्रत्यक्षतः प्रभावित अंग है, यानी कि पायरिया से डायरेक्टली कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शंस बहुत इजी हैं, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा यानी मरसूड़ा। देखिए आप बहुत अगर तेज़ी में रहेंगे तो आप दांत पे टिक करके चले आएंगे, लेकिन नहीं, दांत नहीं बल्कि मसूड़ा खराब होता है, पायरिया से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त करनी है आपको इस बार। ब्लू डार्ट है, ब्लू डार्ट क्या है, ये एक कुरियर सेवा है, याद रखेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, इस बार इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपके सामने से कोई भी क्वेश्चन बचने ना पाए। अगला है आगरा का किला किसने बनवाया था। देखिए इतिहास से भी ज़रूर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आगरा का किला किसने बनवाया था, बहुत इजी है, अकबर ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है, यानी किसका नाम शिमला का सन्यासी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सार्क संगठन में कितने देश हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आपको पता होगा। सार्क संगठन में 8 देश हैं, जो कि हम आपको नाम बता देते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 देश सार्क संगठन के अंतर्गत हैं, इसके सदस्य हैं सार्क संगठन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के बाद कौन मुगल शासक गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पे हो जाएगा जहांगीर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति के अंदर केंद्र की पालिका निहित होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेघदूत किनकी कृति है, यानी मेघदूत किसने लिखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे कालिदास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। तो अहमदाबाद में की थी उन्होंने, साबरमती जो कि अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे इस आश्रम की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, तो आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ भी चुके हैं। तो इसी प्रकार की प्रैक्टिस चलती रहेगी। बाकी चीज़ों के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।